नमस्कार। ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी भोले शंकर को ब्रह्मांड का निर्माता और पालनहार के रूप में पूजा जाता है। पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में भगवान शिव को महाकाल, महादेव, शंभु, नटराज, भैरव आदि के नामों से जाना जाता है। आज हम सब महादेव के बहुत ही विशाल मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं आप सबको कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के कमसमंद्रा गांव में स्थित कोटिलंगेश्वर मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 1 करोड़ शिवलिंग एक साथ स्थापित देखेंगे। यहाँ पे आपको विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। इस मंदिर को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं। स्थानीय लोगों से पूछे जाने पर बताया गया कि भगवान इंद्र ने गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद से इस जगह का नाम कोटिलिंगेश्वर रख दिया गया। इस पवित्र मंदिर का निर्माण शंभ शिव मूर्ति और उनकी वाइफ वी रुक्मणी ने लगभग 1980 के दशक के आसपास कराया था। शुरुआत के दिनों में यहाँ पे मात्र 5 शिवलिंग थे, फिर 100 हुए और फिर 1001, और फिर ये सिलसिला लगभग चलता ही गया। अभी के समय में यहाँ पे लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग है। यहाँ की जो सबसे बड़ी शिवलिंग है, जो पूरे विश्व में फेमस है, उसका हाइट है 108 फीट। अगर कोई भक्त यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है तो 1 से 3 फीट तक के शिवलिंग को अपने नाम से स्थापित कर सकता है। महाशिवरात्रि के समय लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने पर जानकारी मिली कि मंदिर परिसर में एक पेड़ है जहाँ पे पीला धागा बांधकर कोई भी अपनी मनोकामना आप मांगे तो वो जरूर पूर्ण होती है, और पूर्ण होने के बाद लोग छोटे छोटे शिवलिंग को अपने नाम से यहाँ स्थापित भी कराते हैं। कोटिलिंगेश्वर मंदिर घूमने का सबसे बेहतरीन समय है जुलाई महीने से लेकर जनवरी महीने तक। इस मंदिर का टिकट जो है वो मात्र 20 रुपये है और शिवलिंग इंस्टॉलेशन फी 6,000 रुपये है। तो ये था कर्नाटक के कोटिलिंगेश्वर मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।